केंद्र का शुक्रवार को पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया गया। जन सुनवाई केंद्र का मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन कराया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत व भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह सोलंकी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जवाहर राजपूत ने कहा कि वो सप्ताह में एक बार बैठकर गरौठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जिसमें समय समय पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधायक जवाहर राजपूत ने हमारे पत्रकार से बात करते हुए बताया कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मूलभूत समस्याओं के लिए लोगों को दूर दराज तक नहीं भागना पड़ेगा। पूरा हमारे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस तरह की भी जो समस्याएं आम जन की है, किसी भी तरह की है, उन सब समस्याओं के लिए जो कार्यालय में व्यक्ति आएगा वो अपना नंबर लिखाएगा, शिकायत दर्ज कराएगा, किससे संबंधित है उसका निदान कराया जाएगा। अब टोल फ्री नंबर 8401400400 के माध्यम से भी लोग अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है। आज पुरस्कार में बोला गया और ये लॉन्च किया गया एक नंबर के माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से, जिससे कोई भी व्यक्ति इस टोल फ्री नंबर पर नंबर डायल करके, विधानसभा का 225 डायल करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकता है। प्रदेश सरकार के द्वारा 7 माह में कराए गए विकास कार्य इसके जीते जागते उदाहरण है। उद्घाटन के मौके पर अपनी पहली शिकायत ग्राम आमली निवासी उदयजीत पुत्र राजा राम ने दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन विधायक को सौंपा, जिसमें विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई भैंस की मौत के मुआवजे की मांग की गई थी। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए गरौठा से विकास बिदुआ की रिपोर्ट।